तो पबजी गेम्स का हाल चाल है। तो यार मुझको फ्रेश और ना इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आज की वीडियो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बस वीडियो को एंड तक देखना। अब जैसे को पता होगा कि अपना सीजन 9 खत्म हो रहा है और सीजन 10 बहुत जल्दी आ रहा है, तो बहुत बंदे यार कॉन्करर पुश करने वाले हैं स्टार्टिंग में। जैसे मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि स्टार्टिंग में पुश करने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, जब सीजन स्टार्ट होता है तो कॉन्करर पुश करने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं और आप जल्दी कॉन्करर पहुँच जाते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर चेक कर लेना ये वीडियो के बाद। पहले ये वीडियो देख लो, और ये वीडियो टॉपिक है कि भाई कौन सा मैप खेलना चाहिए, कौन सा मैप ज़्यादा बढ़िया है कॉन्करर पुश करने के लिए, तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताऊँ कि भाई मैं सीजन 6 में कॉन्करर जा चुका हूँ और वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि मैं कैसे कॉन्करर गया था, समझ रहे हो। तो उस वीडियो को देखते रहो, घंटा उंटा सब दबा देना, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो करते स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो यार हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने क्लासिक मैच यानी जो अपना वेरेंगा मैप है उसके बारे में। तो देखो वेरेंगा मैप बहुत ज़्यादा छोटा है। अब देखो ये वीडियो मुझे भी पता नहीं था कि वेरेंगा मैप छोटा है, और जैसे मैंने यूट्यूब चेक किया कि भाई कौन सा मैप बड़ा है, तो वहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि वेरेंगा बड़ा है, गोल्डन वुड छोटा है। पर जब मैं जाके भाई गेम में 2-3 गेम में चेक किया, पूरा साइज़ माप के आया, समझ रहे हो, तो पता लगा कि भाई वेरेंगा तो बहुत छोटा है, 2.5 किलोमीटर का मैप है और भाई अपना गोल्डन वुड 3.5 किलोमीटर, हाँ भाई एटलीस्ट 3 किलोमीटर 700 मीटर, यानी अप्रोक्स 4 किलोमीटर के करीब है, यानी इससे ज़्यादा बड़ा है वेरेंगा से, ज़्यादा बड़ा गोल्डन वुड्स है। और वेरेंगा में क्या सीन है कि देखो अभी जो सीजन स्टार्ट होगा तो उसमें बंदे पुश करेंगे, तो आप क्या सोचोगे अगर आप भी पुश करते हो, तो आप सोचोगे भाई जहाँ पे बंदे पहले नहीं उतरते, जो हॉट ड्रॉप एरिया नहीं है, आप वहाँ उतरोगे, जो छोटे छोटे एरिया है जैसे कि विलेज हो गया, सिंह डेल्टा जैसे ये जो एरिया जहाँ हॉट ड्रॉप नहीं होता आप वहाँ उतरोगे, पर जो बंदे पुश करें वो भी तो वहीं उतरेंगे ना, तो आप सोचोगे भाई यहाँ पे हॉट ड्रॉप नहीं होगा, पर फिर भी यार हॉट ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि आप भी पुश करें उतरोगे, दूसरे बंदे भी पुश करें उतरेंगे। और जो हॉट ड्रॉप है जैसे स्टेडियम, ओल्ड बेसिन, थर्ड हिल, वहाँ पे तो जो बंदे पुश नहीं कर रहे कॉन्करर वो तो आएंगे ही आएंगे, मतलब वेरेंगा में भाई कब कहीं से भी ठिल जाओगे, समझ रहे हो, तो इसमें थोड़ी दिक्कत होता है। उसके बाद से सोचो कि आप सेंटर रोड में हो और आपने वहाँ पर किसी बोर्ड को या किसी एक बंदे को मारा, तो आप पे रश होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, स्टेडियम वाले बंदे आप पे चढ़ जाएंगे, थर्ड वाले बंदे आप चढ़ जाएंगे, समझ रहे हो। तो मैप छोटा है वेरेंगा, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है रैंक पुश में इसमें वेरेंगा मैप में। अब बात करते हैं गोल्डन वुड्स की। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो जब मैंने कॉन्करर पुश करना शुरू किया था स्टार्टिंग में, तो मैंने 100 मैचेस खेले थे और 100 के 100 मैंने गोल्डन वुड्स में खेले थे, समझ रहे हो, गोल्डन वुड्स में, जो अपना सहनोक भी बोल सकते हैं उसको, पर अभी नाम चेंज है तो गोल्डन वुड्स ही बोलेंगे। तो उसमें क्या सीन है कि वो मैप बहुत ज़्यादा बड़ा है, समझ रहे हो, मैं आप एक तरह सब बताता हूँ। और मैंने 100 मैचेस उसमें खेले थे, फिर मैं वेरेंगा में भी आया था रैंक पुश के लिए, पर मुझे उतना नहीं जमा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हॉट ड्रॉप होता है और भाई पुश भी बहुत जल्दी करते हैं बंदे, समझ रहे हो, तो इसलिए फिर मैं वापस वेरेंगा में गोल्डन वुड्स में चला गया और गोल्डन वुड्स में मैंने पूरा प्लेटिनियम से लेके कॉन्करर तक पुश किया था। अब मैं बता दूँ कि गोल्डन वुड्स में क्या क्या फ़ायदे हैं आपको जब आप कॉन्करर पुश करते हो गोल्डन वुड्स में। तो यार गोल्डन वुड्स सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है बड़े मैप का, यानी मैप बहुत ज़्यादा बड़ा है और आप कहीं भी उतरते हो, जैसे सोच लो कि आप किसी छोटे एरिया में उतरे, तो भाई वहाँ तक बंदे आ नहीं सकते, समझ रहे हो, वहाँ पे आके पुश नहीं कर सकते। जो बंदे बहुत ज़्यादा प्रो प्लेयर है, जो कि सबको मतलब नॉलेज है गोल्डन वुड्स का, वही बंदे आके पुश करेंगे। भाई मेरे पर कभी पुश नहीं हुआ था जब मैं 100 मैचेस खेला था, तो मेरे पर पुश तो कभी नहीं हुआ था क्योंकि यार एरिया इतना बड़ा है ना यार, कोई पुश करने जाता ही नहीं। ऊपर से सबसे बड़ा डिफिकल्टी होती है गोल्डन वुड्स में व्हीकल्स बहुत कम मिलते हैं। अगर आप रैंक पुश करते हो तो भाई एक व्हीकल अपने साथ रखना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जोन बहुत जल्दी स्टार्ट होता है, समझ रहे हो, तो आपको जोन के अंदर ही रहना, भाग भाग के अंदर ही रहना, मतलब 1 मिनट के अंदर भाई जोन स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे हो। वहीं अपने वेरेंगा में 4 मिनट लगते हैं पहला सर्कल स्टार्ट होने में, पर उसमें जल्दी जल्दी हो जाता है, तो आपको एक व्हीकल रखनी है और जो गैस कैंस है, जो अपने पेट्रोल के डब्बे हैं, पेट्रोल भाई वो डब्बे उठा लेने, समझ रहे हो। तो इसमें क्या कि आप पे पुश होने के बहुत कम चांसेस है कि आपके दूसरे बंदे आपके आके पुश करके आपको मार के जाए, ये बहुत ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं। तो सबसे बड़ा तो एडवांटेज ये है। उसके बाद बात करें सेकंड एडवांटेज की, तो यार गोल्डन वुड्स सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है लूट की। देखो लूट गोल्डन वुड्स में इतना भर के पड़ा है ना। अगर बात कर ले वेरेंगा की, तो अब वेरेंगा में अगर कॉन्करर पुश करते हो तो कभी कभार तो यार लूट के वैसे ही मर जाओगे, आपके पास अच्छी गन मिलेगी नहीं और आप बड़े एरिया में जाओगे नहीं लूटने के लिए अच्छे गन, और छोटे छोटे एरिया में बहुत कम मतलब गन मिलते हैं अच्छे वाले वेरेंगा की बात करें तो। और भाई गोल्डन वुड्स में आप कहीं भी उतर जाओ भाई, आपको जो 7.62 वाले गन है, जैसे कि
क्या बोलते हैं M762 यानी बैरल, उसके बाद से AKM S12K M4, ये भाई इजीली आपको कहीं भी मिल सकते हैं, समझ रहे हो, और ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं उनमें। UB45 है वो तो हर जगह मिल जाएगी, पर वो उतनी अच्छी गन नहीं है, फिर भी आपको ये जो गन्स है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। बैरल Level 3 की लूट आपको भाई ज़्यादा बिना ड्रॉप लूटे मिल जाएगी, समझ रहे हो। Level 3 का वेस्ट हेलमेट आपको कहीं भी मिल जाएगा, कहीं पड़ा हुआ मिल जाएगा, आपको ड्रॉप लूटने की जरूरत भी नहीं है। ऊपर से आता है M24 भी बहुत ज़्यादा मिलता है गोल्डन वुड में, जो कि अगर आप स्नाइपिंग करना चाहते हो तो भाई स्नाइपिंग आप इजीली कर सकते हो, बंदों के पास ना जाकर दूर से ही उनको मार सकते हो, 2-4 किल निकाल लोगे तो भाई आपके प्लस पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि भाई लूट सबसे ज़्यादा गोल्डन वुड में है। तो अब बात करते हैं अगले एडवांटेज की। तो यार हमारा अगला गोल्डन वुड सबसे बड़ा एडवांटेज है सर्वाइवल टाइम। अगर सर्वाइवल टाइम ये होता है, सबको पता है कि सर्वाइव करने से प्लस पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं, आप जितना ज़्यादा सर्वाइव करोगे उतना ज़्यादा आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। और भाई बात करें अगर वेरेंगा की, तो वेरेंगा में तो 19 मिनट का मैच होता है और उसमें से आपको 17 मिनट तक सर्वाइवल टाइम मिल जाता है अगर आप एंड जोन तक सर्वाइव करते हो तो, समझ रहे हो। और वही अगर बात करें गोल्डन वुड्स की, तो गोल्डन वुड्स का मैच होता है 20 से 21 मिनट का, अगर आप एंड जोन तक सर्वाइवल करते हो तो आपको 19 मिनट तक का सर्वाइवल टाइम मिल जाएगा, जिसमें से सीधा बात है भाई 2 मिनट सर्वाइवल टाइम ज़्यादा है तो आपको थोड़े बहुत प्लस ज़्यादा मिल जाएगा गोल्डन वुड्स में, अकॉर्डिंग अगर बात करें वेरेंगा मैप की। तो गोल्डन उसमें सर्वाइवल टाइम ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत प्लस आपको ज़्यादा मिल जाएगा। बाकी दोनों में किल का जो पॉइंट है वो भाई दोनों सेम रहता है, अगर आप इसमें किल जितना पॉइंट मिलता है उतना पॉइंट आपको गोल्डन उसमें मिलेगा, समझ रहे हो। तो अब बात करते हैं अपने अगले एडवांटेज की। तो यार एडवांटेज की तो बहुत बात हो गई, गोल्डन उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है भाई उसका घास, मतलब घास बोल दो, ग्रास जो नीचे घास रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सांप बहुत मिलेंगे आपको देखने को। अब देखो एक तरह से तो ये नुकसान भी है अगर जो घास है, और एक तरह से फ़ायदा भी है, क्योंकि देखो आप भी सर्वाइव कर सकते हो घास में लेट के, और जो बंदे घास में लेटे ऑलरेडी वो आपको पेल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब नुकसान भी है और फायदा भी है, जो कि गोल्डन उसमें जो घास है उसकी वजह से, समझ रहे हो। तो आपको बस थोड़ा ध्यान आँख, मतलब ऐसे उल्लू जैसा आँख खोल के रखना पड़ेगा कि भाई सांप कोई लेटा तो नहीं पड़ा ना जो हमको ठोक दे, समझ रहे हो। और सबसे बड़ी बात, स्नाइपर आपको एंड जोन में चाहिए ही चाहिए, आप स्नाइपर एक लेके चलना, जल्दीबाजी में ड्रॉप लूटने मत चल जाना, अगर मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपको अगर मिलता है एंड जोन में, अगर आप स्नाइपर आपके आपके पास है तो भाई आप जो बंदे घास में लेटे आप उनको ढूंढ के मार सकते हो, समझ रहे हो। तो सबसे पता यही एक दिक्कत होती है घास की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा जाओ। मैं तो आपको क्या बोलते हैं जो भी मतलब सजेशन दूंगा कि भाई आप जाके गोल्डन उसको पुश करो भाई, एकदम परफेक्ट मैप है कॉन्करर पुश करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, समझ रहे हो। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई है, नहीं समझ में आई हो तभी बताना यार, फिर से दोबारा क्रिएट करेंगे। तो यार बस आज के लिए इतना ही था, बाकी आपको गोल्डन उसमें कैसे खेलना है उसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, आपको कैसे खेलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो हमें बता दें कि भाई कौन सा मैप ज़्यादा बेटर है, समझ रहे हो। तो उसके लिए हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे भाई, आपको कैसे खेलना है गोल्डन उसमें मैच जब आप कॉन्करर पुश करते हो। तो आई होप कि आप समझ गए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चलो सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। तो बस यार आज के लिए इतना, फिर मिलते किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.